नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ के बहसुमा नगर क्षेत्र के गांव हंसापुर कुंवर देवेंद्र सिंह व पूर्व आईएएस आदर्श गुजर के निवास पर अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर भाजपा को कई सौ करोड़ की रिश्वत दी और अपनी मनमर्जी रेट पर जनता को जरूरत का हर सामान खरीदने को मजबूर कर दिया। महंगाई की असली वजह भाजपा का भ्रष्टाचार है। भाजपा सरकार की खराब नीतियों के चलते ही हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो महापुरुषों की तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, सरकार नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे संविधान को बदल देगी। हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। यह संविधान हमें आसानी से नहीं मिला। इसके लिए जाने कितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवाओं को सपना दिखाया जा रहा है, न तो आज तक नौजवान को नौकरी मिली है और न ही विकास हुआ है। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। भारत रत्न से सम्मान दे रहे हैं, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन आप किसान को एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं दे रहे। ये बात समझ में नहीं आ रही किसान को। अगर आप किसान नेता भारत रत्न से सम्मान दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न दे रहे हैं और एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बात किसानों को समझ में नहीं आ रही है। किसान इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए निपटाएगा। और जैसे कि आपने किसानों की भी बात की, जयंत चौधरी जी ने आपका साथ छोड़ के दूसरी पार्टी कर ली है और वो कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून आएगा और कुछ ना कुछ अच्छा किसानों के लिए किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट कही जाती है, किसानों के मेन मुद्दे यहीं से उठते हैं और यहीं से आगे परवान चढ़ते हुए देखे हैं। कोई छोटा दल एमएसपी नहीं ला सकता। एमएसपी का अगर कोई अधिकार दिला सकता है तो सरकार दिला सकती है। हाँ, बीजेपी के लोग अगर ये कहें, और फिर बीजेपी भरोसा कैसे आप करेंगे। 1000 किसान की आत्मा जान गई है, शहीद हुए 1000 किसान। और फिर अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 1,00,000 किसानों ने 10 साल में आत्महत्या की है। इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास और बीजेपी के नए नए सहयोगी दलों का। हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी की घोड़े की ढाई चाल में पूरा दल फंस गया। जयंत चौधरी के अखिलेश जी, जयंत चौधरी के जाने से समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा है? क्या फायदा क्या नुकसान, किसान जानता है कि वोट कहाँ लड़ रहा है। अखिलेश जी, और नौजवान जानता है। आप सोचिए फायदा नुकसान। 60,00,000 बच्चों की परीक्षा छूटी। मैं इसी मुजफ्फरनगर में आया था, मेरठ के पास के बच्चे मुझे मिले थे, उनके हाथ में तख्ती थी कि परीक्षा कैंसिल हो, पेपर लीक कैंसिल, पेपर लीक जो हुआ उसकी परीक्षा दोबारा। इस तरीके से जो पेपर लीक हुए हैं, 60,00,000 बच्चे प्रभावित हुए। अगर हम 60,00,000 के केवल ये मान लें उनके परिवार के माँ बाप इस सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, अगर हम 3 वोट मान लें एक परिवार के और 60,00,000 परिवार इस तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो 60,00,000 × 3 1,80,00,000 और यही 80 लोकसभा से अगर हम भाग दे दें तो 2,25,000 वोट बीजेपी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसकी भरपाई कहाँ से कर लेंगे? अगर इसकी भरपाई के लिए ये तमाम जो जोड़ लिए हैं, क्या भरपाई कर लेंगे पूरी? तो वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसी का काउंटर करते हैं जो आप अभी बता रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी पेपर लीक में आरोपी पाया जाएगा आने वाले समय में भी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, हरियाणा की सरकार की प्रॉपर्टी जब्त कर लो। पेपर लीक तो हरियाणा में हुआ है ना, तो हरियाणा की सरकार की क्या जब्त कर लेगी प्रॉपर्टी यूपी की सरकार? आपका एक ब्याज और सच्चाई ये है, यूपी में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, पेपर ना लीक हो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की और जो पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं वो सब बीजेपी की। तो सरकार की नीयत नहीं नौकरी देने की, वो नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए पीडीए की लड़ाई बड़ी है, जनगणना हो, पीडीए की बात हो, पीडीए को हक अधिकार सम्मान मिले, शायद ये लड़ाई पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें,
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पिछली बार 14 में से 7 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी। पूरा फोकस है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम अपनी पूरी नेता दलबल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार जो चक्रव्यूह रचा गया है कि भाई 7 के 7 सीटें और 14 में जो हार गए थे, क्या आपको लग रहा है कि वो जीत पाएंगे या माहौल उससे अलग है पिछली बार से? पिछली बार से बहुत अलग माहौल है। बीजेपी के लीडर्स के स्टेटमेंट देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, वो इसीलिए कि अपने वोट को वो बांधना चाहते हैं, जो दलों को तोड़ रहे हैं या दलों पे हाथ रख रहे हैं पीछे से, वो इसीलिए है कि वो अपने वोट को कैसे संभाले। उन्हीं का वोट तो नाराज़ है, उन्हीं का वोट तो उनके खिलाफ वोट डालने जा रहा है। और जो समीकरण बने हैं वो समीकरण ऐसे बने हैं कि बीजेपी के पास उसकी कोई तोड़ नहीं है। अखिलेश क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय समाज का जो आंदोलन आंदोलन चल रहा है क्या जिसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वही धोखा दे रहा है? देखिए आप तुम बोल रहे हो, बोल लेने देते दिया था। चलो बोल बोल, तुम बोल रहे हो, आप बेहतर समझते होंगे। समाजवादियों ने बहुत जोड़ा लोगों को, हम लोग जोड़ने का काम हमेशा करते हैं। क्षत्रिय आंदोलन को लगातार पंचायत, क्षत्रिय आंदोलन, क्षत्रिय आंदोलन जो हो रहा है उस पर क्या, क्षत्रिय आंदोलन को किस नजरिए से देखने? मुझे खुशी है इस बात की क्षत्रिय समाज के लोग मान सम्मान को लेकर के आगे बढ़ गए हैं, और क्षत्रिय लोग जब जब ठान लेते हैं अपने मान सम्मान से, और उनका सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का है। गुजरात में देखा हम लोगों ने एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित क्षत्रिय समाज के नेता गुजरात में उनकी किस तरीके से पगड़ी उनके सर से हटा दी गई, उनका अपमान हुआ। और ये अपमान कोई गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका अपमान करने का काम हुआ है। गुजरात का क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, राजस्थान का खड़ा हो गया, और ये जो आपके यहाँ से हवा चली है पश्चिम से, जो पश्चिम की हवा चलेगी वो पूरब तक जाएगी। बीजेपी वाले मोदी जी कितना संभालते हैं, लेकिन हमें पता है क्षत्रिय समाज के लोगों के बारे में, एक बार जो फैसला लिया डिंपल यादव जी का, पीछे नहीं हटते। डिंपल यादव जी का एक बयान है कि वो बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, ये बात तो सही कह रही है, इसमें क्या गलत कह रही है? लेकिन महिलाएं मोदी जी ने ये हमारा नया पत्रकार साथी नए नहीं है जब बहुत पुराने। अच्छा तो एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल में पैकेज होगा, पैक हम तो दे रहे हैं, आटा और डेटा फ्री, आटा और डाटा, आटा और डाटा इसलिए क्योंकि आटा तो चाहिए, ये क्या खाना दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, कुछ नहीं है तो गरीबों का खाना। हमने कहा कि पौष्टिक और बाजार में जिस तरीके से बेहतर पैकेज्ड आटा आ रहा है उसके बराबर हम लोग गरीबों को आटा देंगे पौष्टिक, और साथ में डाटा फ्री देंगे। आज गाँव में गूगल करके या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उन पर रख करके लोग जो चाहे वो मंगा लेते हैं सामान, और अभी बिल गेट्स आए थे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।